साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे लैक्रिमिस्ट आई ऑइंटमेंट। साथियों लैक्रिमिस्ट आई ऑइंटमेंट बहुत ही फेमस ब्रांड है, साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे लैक्रिमिस्ट आई ऑइंटमेंट है क्या, साथ ही साथ बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजर्स बेनिफिट की बात करेंगे एंड हाउ टू वर्क लैक्रिमिस्ट आई ऑइंटमेंट। कहने का मतलब है इसका इस्तेमाल कैसे है, साथ ही साथ साइड इफेक्ट एंड डोजेज डायरेक्शन फॉर यूज, उपयोग करने की विधि, कॉशन वार्निंग एंड एमआरपी की बात करेंगे। साथियों लैक्रिमिस्ट आई ऑइंटमेंट, आई ऑइंटमेंट है जाहिर सी बात है, आंख में लगाने वाली ये दवा है। साथियों एक ये लुब्रिकेंट ऑइंटमेंट है, आई लुब्रिकेंट एंड आर्टिफिशियल टीयर्स इसको कह सकते हैं। साथियों कहने का मतलब है कि आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में क्या होता है कि बहुत ज्यादा यूजेस जिनको कंप्यूटर पे है या लैपटॉप है या मोबाइल चलाते हैं या किसी केमिकल की वजह से या रेडिएशन की वजह से या एक एज होने के बाद, तो प्राकृतिक जो है नेचुरल टीयर्स आंसू जो है आंख में नहीं बनते हैं और आंख एकदम सूख ऐसी जाती है, उससे रेडनेस आ जाती है, इचिंग होने लगती है और खुजली होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। तो ऐसे केस में लैक्रिमिस्ट आई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करके तुरंत ठीक हो जाएंगे। साथियों लैक्रिमिस्ट आई ऑइंटमेंट आर्टिफिशियल टीयर्स है यूज टू रिलीव ड्राई आई, कहने का मतलब जो सूखी आंखी हैं उनको जो है क्या होता है आराम देता है, उसके अंदर विस्कस मतलब प्राकृतिक एक टीयर्स की तरह जो है काम करता है एंड दिस कैन हैपन बिकॉज नॉट एनफ टीयर्स। जब अपने आप जो है आंसू नहीं बनते हैं, जनरेट नहीं होते हैं, ग्लैंड सूख जाती है एंड मेड टू कीप द आई लुब्रिकेटेड, और आंख को जो है लुब्रिकेटेड रखता है। साथियों आंख जो है हमेशा लुब्रिकेटेड रहेगी तो किसी तरह की जलन या रेडनेस, इचिंग नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, वही ये काम करती है एंड इट हेल्प्स टू सूथ द इरिटेशन, और जो इरिटेशन होता है उसको आराम देती है एंड बर्निंग होती है ड्राई आंखी में उसको आराम देती है एंड मेंटेन प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ द आई, और ये मेंटेन रखती है, कहने का मतलब एक मेंटेनेंस का भी काम करती है। साथियों ये ऑइंटमेंट भी इसको कह सकते हैं, जेल भी कह सकते हैं, देखिए इस तरह का होता है साथियों, और इसको बहुत आसान है कि इस तरह से जो है क्रीम से ही आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो लैक्रिमिस्ट जेल जो इसके अंदर मिला है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज 2% वेट बाय वॉल्यूम, कहने का मतलब है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एक जो है नेचुरल टीयर्स एक तरह से कह सकते हैं ऑइंटमेंट है और ये कंपोजिशन है। साथियों एनआरआई विजन केयर इंडिया लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है, बहुत से प्रोडक्ट जो है आई के लिए बनाती है, आई प्रोडक्ट बनाती है, उसी में से एक है लैक्रिमिस्ट जेल। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया कि लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट है ये, और ये क्या करता है यूज्ड फॉर ड्राई आईज, और जो सूखी आंखें होती हैं उनको जो है क्या होता है एक तरह से प्राकृतिक आंसू देने का और जो है मेंटेन रखने का, लुब्रिकेट रखने का जो है काम करती है। साथियों नॉर्मली योर आई प्रोड्यूस एनफ टीयर नेचुरल टीयर्स, नॉर्मल आदमी होता है उसके जो है नेचुरल आंसू जो है ऑटोमेटिकली जनरेट रहते हैं और उससे क्या होता है टू हेल्प देम मोर इजियर एंड कंफर्टेबली एंड टू रिमूव डस्ट एंड अदर पार्टिकल, जैसे कि डस्ट चली गई तो टीयर्स का काम है अंदर लुब्रिकेटन जो अंदर है एजेंट है वो जो है क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल है उसको निकाल के बाहर कर देता है। जब प्राकृतिक आंसू नहीं जनरेट होते हैं, लुब्रिकेशन जो पदार्थ है वो नहीं जनरेट होता है, तो आर्टिफिशियल जो है लेने के लिए, लगाने के लिए, समस्या को ठीक करने के लिए लैक्रिमिस्ट जेल का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों कहता है इफ दे डू नॉट प्रोड्यूस एनफ टीयर्स, जब नहीं प्रोड्यूस होता है तो ऐसे केस में दे कैन बिकम ड्राई, रेड हो जाता है, पेनफुल हो जाती है आंख, तो उसको ये ठीक करता है। ड्राई आईज कास्ट बाय किस वजह से होता है साथियों ये भी मैं बताऊंगा, जैसे बहुत तेज आजकल हवा चल रही है जो है पतझड़ जब होता है, बसंत की ऋतु आती है और ये क्या होता है कि फरवरी और मार्च का महीना होता है, बहुत तेज जो है हवा चलती है तो उसकी वजह से हो सकता है, मई जून में धूप की वजह से जो है आंखों में रेडनेस हो जाती है और जो है क्या होता है आंखें खरकने लगती है, हीटिंग जैसे कि वेल्डिंग का काम है, रेडिएशन का काम है उसकी वजह से, और साथ ही साथ क्या होता है किसी वजह से जो है, तो उसको ये क्या करता है आई को ड्राइनेस है उसको दूर करता है, आई अगर डिस्कम्फर्ट है तो उस समस्या से निजात दिलाता है, आई में इरिटेशन है तो
उस समस्या से निजात दिलाता है। साथियों इसको इस्तेमाल करने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है, वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे कभी कभार इसको लगाने के बाद ब्लरीड विजन धुंधला दिखेगा तो कतई डरने की बात नहीं है, क्षणिक है। कभी कभी आई में हल्का सा इरिटेशन होने लगता है और इसको लगाने से हल्की सी रेडनेस होगी पर बाद में ठीक हो जाती है। साथियों ये तो साइड इफेक्ट की बात हो गई, वर्क कैसे करता है तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, लैक्रिमिस्ट आई ऑइंटमेंट इज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट है और ये क्या करता है, इट वर्क्स सिमिलर टू नेचुरल टीयर्स, जैसे कि प्राकृतिक सिमिलर उसी की तरह जो है नेचुरल टीयर्स जो है एक तरह से है और ये जेल में है और इसका ड्रॉप भी आता है। प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम बर्निंग डिस्कम्फर्ट ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ द आई, तो इस तरह से ये वर्क करता है। साथियों डायरेक्शन फॉर यूज का जो बात करेंगे, ये देखिए जो क्रीम है इसको जब टाइट करेंगे तो इसके अंदर जो क्या होगा सील टूट जाएगी और जो ये छल्ले नुमा होगा जब ओपन कर देंगे तो उसको हटा देंगे, फिर उसको ज्यादा टाइट करेंगे तो इसके अंदर एक शार्पनेस होगी और उससे होल हो जाएगा। किसी तरह से उंगली का इस्तेमाल, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इन्फेक्टेड होने के चांस होते हैं। तो कहने का मतलब है अनक्रीम जो इसके अंदर ये चीज है, इसको व्हाइट कैप होती है, इसको जो है डिस्कार्ड कर देते हैं, स्पेसिंग रिंग जो है उसको हटा देते हैं और उससे क्या होता है कि जो है उसको बाद में जो है डायाफ्राम जो इसके अंदर है, मैं आपको दिखा देता हूं साथियों, उसको जो है क्या करते हैं कि वो जो है उसको पंचर कर देती है। जैसे कि ये देखिए एकदम नया पीस है, अब ये इसके अंदर का ये जो है छल्ला नुमा है इसको निकाल देंगे और इसके अंदर ये देखिए साथियों होल टाइप का है और इस तरह से इसको टाइट कर देंगे और उससे क्या होगा कि ये जो है क्रीम निकलने लगेगी। ये देखिए इसको ओपन करेंगे, अब यहां से जो है इसको जब टाइट करेंगे और पुश करेंगे जहां पे भी लगाना है इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों कॉशन की बात करेंगे, डू नॉट यूज एनी अदर साइड आर्टिकल्स, कहने का मतलब है जब इसको ओपन करेंगे तो ये नहीं कि सुई से छेद कर दिया या होल कर दिया, इस तरह नहीं करना है, और इसको पंचर कर दिया जैसे इसमें छेद नहीं, ऐसा नहीं करना, इसको कस के टाइट करेंगे आप ऑटोमेटिकली इसमें होल बन जाएगा। साथियों वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे, इफ इरिटेशन परसिस्ट, जैसे इसको लगा रहे हैं बहुत ही जलन हो रही है, इचिंग हो रही है और काफी समय बाद वो बढ़ जा रही है, जैसे कि इंक्रीज डिस्कम्फर्ट या डिसकंटिन्यू कर दें तुरंत, मतलब कि जैसे कंफर्ट नहीं लग रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो इसको लगाना बंद कर दें, तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट या फिजिशियन से संपर्क करें। तो साथियों अदरवाइज होता नहीं है लेकिन बहुत रेयरली है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। साथियों एक 80 रुपए इसकी MRP है, NRI विजन इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है। साथियों सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।